नमस्कार फ्रेंड्स, अभी साउथ पोल से फिर थोड़ा सा पहले ये विशाल नज़ारा। ओ माय गॉड, मैं रोक नहीं पाया खुद को ये वीडियो लेने के लिए। तो हालांकि ढलान है, मैं ढलान पे मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है और मैं इस वीडियो को लेने के लिए रुका हूँ, उतरा भी नहीं हूँ बाइक से। तो ये देखिए पीछे कुछ व्हीकल्स हैं, टूरिस्ट, कुछ गाड़ियां हैं टूरिस्ट की, और वो भी इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे। तो मुझे भी इसको ज़रूर कैद करना था। एक अपील हुई, एक अर्ज हुई मेरे मन में कि नहीं जा सकते तुम आगे इसे कैद किए बिना। तो ये देखिए क्लियर स्काई और उसके नीचे ये सुंदर डस्टी कंक्रीट, छोटी कंक्रीट की ब्राउन पहाड़ियाँ। इस तरफ ये क्लोज़र चट्टान है, क्लोज़र डिस्टेंस में बहुत नज़दीक, और ये भाई साहब आनंद उठा रहे हैं सुबह सुबह का, विश कर रहे हैं। आप लोगों को आप भी विश कर दीजिए। और ये जो चट्टानें हैं, चट्टानों के ऊपर ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन के ऊपर वाइट कलर की ये जो बर्फ़ स्नो जो जमी हुई है, और फिर उसके ऊपर बादल। ओहो, ये नज़ारा यू जस्ट कांट फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये है हमारे भारत का नज़ारा, हमारे हिंदुस्तान का नज़ारा, और मैं बहुत ही प्रसन्न चित्त आनंदित हूँ और बहुत ही प्रफुल्लित, और मेरा मन बाग बाग है, बहुत खुश हूँ दोस्तों। ये यहाँ पर आकर ये सेकंड विजिट है मेरी। पहले मैं आया था 93 में 100cc बाइक RX 100 यामा की, और इस वक्त मैं आया हूँ इंटरसेप्टर 650 रॉयल एनफील्ड की बाइक, जिसको मैंने प्यार से नाम दिया है यस। एज यू नो, अगर मेरे वीडियोस आप देखते आ रहे हैं, दिस इज क्रूजर क्वीन, आई लव इट। तो दोस्तों यहीं पर ये छोटा सा वीडियो समाप्त करता हूँ। बने रहिए यात्रा में मेरे साथ, आगे के अपडेट्स देता रहूँगा, लगातार देता रहूँगा। एंजॉय करिए जर्नी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।